सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न नाइट्स वर्सेस ओटाइगो ओल्ड्स के बीच जो एक हल्का सुपर स्मैश T20 लीग का मैच खेला जाएगा मॉलनिक्स पार्क पे। तो इसके इन डेप्थ हम एनालिसिस करेंगे और आपको फाइनली ड्रीम इलेवन टीम भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिच रिपोर्ट से। अगर पिच रिपोर्ट की बात करी जाए तो यहाँ बैटिंग जो है फ्रेंडली सरफेस होने वाला है और थोड़ा बहुत जो है इनिशियली पेस बॉलर्स को हेल्प मिल सकती है बिकॉज ऑफ ओवर कास्ट कंडीशन। आपको थोड़ा इनिशियली जो है थोड़ा बहुत हेल्प फास्ट सीम बॉलर्स को मिल सकती है। तो यहाँ से मैं प्रिडिक्ट करके चल रहा हूँ, अगर टोटल 20 ओवर्स का अगर मैच वन साइड सॉरी एक साइड को 20 ओवर अगर पूरे मिलते हैं तो 140-150 बनने चाहिए। अगर नॉर्दर्न नाइट्स फर्स्ट बैटिंग करती है तो 140-150 मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। अगर ओल्ड्स अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो यहाँ से मैं 10 रन और जोड़ दूंगा तो 150-160 का मेरा स्कोर एक्सटेंड हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिसेंट फॉर्म है नॉर्दर्न नाइट्स का, तो वो कुछ बिगड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूँ वेदर फोकास्ट की तो वेदर फोकास्ट उतना क्लियर नहीं है, तो पार्टली क्लाउडी जो है प्रिडिक्टेड है। यहाँ मैं अगर जो है रैंकिंग की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल के लिए जो ओटाइगो ओल्ड्स में सेकंड नंबर पे हैं और जो नाइट्स हैं वो लास्ट पोजीशन पे हैं। तो बहुत ही ख़राब फॉर्म से आ रही हैं नाइट्स। तो देखते हैं टीम न्यूज़ क्या है। तो टीम न्यूज़ में जो है स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, यहाँ से 12 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस है। इसमें से मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर टीम सैफर्ट और डेरिल मिचल को पिक कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो है प्लेयर्स के रिगार्डिंग अपना बेस बना सकते हैं। मैं यहाँ से टीम सैफर्ट इसलिए पिक कर रहा हूँ बिकॉज इनका फोर्ड ट्रॉफी का फॉर्म बहुत अच्छा है और डेरियल मिचल अभी रिसेंट में बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर एक्सपेक्टेड इलेवन की बात करूँ तो मैं एंटन डेविस और टीम सैफर्ट यहाँ से ओपन करते हुए आपको मिल जाएंगे और डीन ब्राउनली वन डाउन बैटिंग करेंगे। उसके बाद आएंगे जो कार्टर और डैनियल फ्लिन, उनको फॉलो करेंगे। और उसके बाद आएंगे डैरिल मिचेल, थोड़ा बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं। उसके बाद ब्रैड हैम्पटन को प्रमोट करके वन डाउन भी भेजा जा सकता है बिकॉज ये बहुत ही जो है पावर हिटिंग के लिए इनको माना जाता है। तो इनको वन डाउन पर भी बैटिंग कभी कभी कराई जा सकती है, आप फ्यूचर में देख सकते हैं। उसके बाद आएंगे स्कॉट कुगुलियन, उसके बाद आएंगे ब्रेट ट्रैंडल और अनुराग वर्मा, इश सोडी। तो ये इनकी प्लेइंग इलेवन हो सकती है। अगर मैं टीम न्यूज़ वर्ल्ड्स की तरफ से बात करूँ तो इनका स्क्वाड अभी अनाउंस नहीं हुआ है। मैंने जितना भी कोशिश किया ढूंढने की इनका स्क्वाड मेरे को मिला नहीं, तो मेरे हिसाब से स्क्वाड अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो फाइनल प्लेइंग इलेवन जब टॉस के बाद आ जाएगी तभी आपको जो है वहीं पे चेंजेस सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूँ तो नील ब्रूम इनके इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं और फोर्थ ट्रॉफी से लेकर वही सेम फॉर्म जो है यहीं पर भी T20 में भी कैरी कर रहे हैं। उसके बाद नेथन स्मिथ जो कि बॉलिंग से बहुत अच्छी कॉन्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, अगर बैटिंग का मौका मिलता है तो बैटिंग से भी थोड़ी बहुत जो है हिटिंग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनके एक्सपेक्टेड इलेवन की बात करूँ तो नील ब्रूम ओपन करेंगे हैमिश रदरफोर्ड के साथ। उसके बाद आएंगे सॉरी यहाँ से जो है ये मैं यहाँ पे इन बैटिंग ऑर्डर नहीं लिख पाया बिकॉज़ इनका बैटिंग ऑर्डर अभी कंफर्म नहीं है बिकॉज इनका अभी स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ, तो मैं इसलिए यहाँ पे सिर्फ जो है नाम लिख रहा हूँ। हैमिश रदरफोर्ड, अनारू किचन, माइकल ड्रिपन, जेकब डफी, जॉश फिन्ने और माइकल रई, निकोलस केली, नेथन स्मिथ, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट और मैक्स चू, ये इनका पिछला प्लेइंग इलेवन था। तो यही हो सकता है या तो एक आध चेंज भी होगा, तो टॉस के बाद ही इनका कन्फर्म पता चलेगा कि क्या प्लेइंग इलेवन होगी। हेड टू हेड की अगर बात करी जाए तो यहाँ से ओटैगो का इन फेवर ऑफ ओटैगो है, 14-10 का जो है यहाँ पे विनिंग रेशियो है ओटैगो के फेवर में। अगर मैं यहाँ पे रिसेंट जो है T20 की बात करूँ तो 16 दिसंबर 2019, मतलब पिछले वीक में इनका मैच हुआ था। ओटैगो वर्ल्ड्स ने फर्स्ट बैटिंग करते 198 बनाए 9 विकेट के नुकसान पे, उसमें थे नील ब्रूम के 32 और निकोलस केली के 37, उसके बाद फॉक्स कॉप के 44, जॉश फिने के 47 थे। तो ये कुछ चार कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे बैटिंग सेक्शन से। अगर बॉलिंग सेक्शन से बात करूँ नॉर्दर्न नाइट्स की तरफ से तो एंटन डेविस का 1 विकेट, अनुराग वर्मा के 3 विकेट और इश सोडी का 1 विकेट और जो है डैरिल मिचेल के जो है 4 विकेट थे। उसको जो है फॉलोअप करते हुए नॉर्दर्न नाइट्स ने चेस करते 155 बना पाए सिर्फ 20 ओवर में, तो इनके भी 9 विकेट्स गए थे। टीम सैफर्ट ने 24 बनाए, एंटन डेविस जो है वो डक पे आउट हो गए थे। उसके बाद डेनियल ब्राउनली भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए। उसके बाद आए थे ब्रेट हैम्पटन जो कि प्रमोट करके 4 नंबर पे भेजे गए थे, तो इनके 52 रन थे। उसके बाद आए जो कार्टर जो कि 55 रन की, इनकी भी एक अच्छी पारी थी। उसके बाद स्कॉट कुगुलियन का कुछ 10 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसके बाद कोई खास जो है कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। डैरिल मिचेल इस मैच में बैटिंग नहीं कर पाए तो उनके रन नहीं बने थे। अगर मैं विकेट से बात करूँ तो विकेट सेक्शन से जेकब डफी के 2 विकेट थे और यहाँ से डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के 1 विकेट, नेथन स्मिथ के 5 विकेट थे जो कि फाइव फॉर इन्होंने निकाला था और यहाँ से माइकल रई का 1 विकेट था। उससे पहले एक मैच हुआ था जो 9 फरवरी 2019 को हुआ था, नॉर्दर्न नाइट्स ने बैटिंग करते 150 रन बनाए थे
और यहाँ से कंट्रीब्यूशंस की बात करूँ तो डीन ब्राउनली के 20 रन्स और कोरी एंडरसन के 42 रन्स थे। दो दो ही कंट्रीब्यूटर जो है अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर पाए थे, उसके अलावा कोई और जो है बैट्समैन ने जो है रन रन नहीं बना पाए। बॉलिंग सेक्शन से बात करूँ वोल्ट्स की तरफ से, तो यहाँ से जेकब डफी के 2 विकेट और नेथन स्मिथ के 2 विकेट और माइकल रिपन के 2 विकेट थे। और क्रिस्टी विलियम जो कि अभी फिलहाल के लिए स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, उनके 3 विकेट थे। जब भी आ जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे आपके लिए, जो कि क्रिस्टी विलियम बहुत ही अच्छे खासे बॉलर हैं, तो इनके जो है 3 विकेट थे। ओटागो वुड्स ने इसको चेस करते हुए इजीली विन किया था, 151 का स्कोर था। तो यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो हैमिश रदरफोर्ड जो कि इनके कैप्टन थे, उनके 49 रन थे। और नीचे से बैटिंग करते हुए जो है यहाँ से बेन कॉक्स के 32 रन और ब्रैड विल्सन के जो है 25 रन थे, जो कि बहुत ही नीचे से कंट्रीब्यूशन आया था। तो मिडिल ऑर्डर इनका फेल हुआ था, टॉप ऑर्डर से सिर्फ सिर्फ जो है रदरफोर्ड के जो है स्कोर आया था। अगर मैं विकेट से बात करूँ तो काइल एबॉट के जो है 1 विकेट था, और जैक गिब्सन जो कि अभी फिलहाल के लिए स्क्वाड से एक्सक्लूड करे गए हैं उनका 1 विकेट था, और यहाँ से ब्रेट हैम्पटन के 2 विकेट थे। कोई और परफॉर्मेंस था नहीं, और स्पेशली इस जो है ग्राउंड के हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ तो 30 दिसंबर 2018 को पिछले साल खेला गया था। तो यहाँ से ओटागो वर्ड्स ने फर्स्ट बैटिंग करते फर्स्ट इनिंग्स पे सिर्फ 99 रन बना पाए थे, जो बहुत ही कम टोटल माना जाएगा। अनारू किचन के 31 और नील ब्रूम के 22, तो कुछ खास यहाँ से कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला वर्ल्ड्स की तरफ से। तो यहाँ से अगर मैं नाइट्स की तरफ से बॉलिंग सेक्शन से बात करूँ तो स्कॉट कुगुलियन के 2 विकेट और मिच सैंटनर का 1 विकेट और ब्रेट रैंडल का 1 विकेट और इसोडी के 2 विकेट थे। और यहाँ से नॉर्दर्न नाइट्स ने इसको चेस करते हुए इजीली विन किया, बिकॉज पिछले सीजन इनका बहुत ही अच्छा फॉर्म चल रहा था और ये पिछले सीजन के विनर्स भी हैं, सॉरी जो है रनर अप हैं। तो बहुत ही अच्छी टीम है नॉर्दर्न नाइट्स, इसको चेस करते हुए यहाँ से इनका मिडल ऑर्डर में डीन ब्राउनली के 34 और यहाँ से डैरिल मिचेल का 27 रन जो है कॉन्ट्रीब्यूशन एनफ था इसको चेस करने के लिए। 5 विकेट उन्होंने गंवाए। तो यहाँ से बॉलर्स का आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जेकब डफी के 3 विकेट थे, नेथन स्मिथ का 1 विकेट और क्रिस्टी विलियन का 1 विकेट था। यहाँ से मैं अगर हेड टू हेड में शॉर्ट लिस्ट करके बताऊँ टॉप पिक्स की, तो नील ब्रूम, एंटन डेविस, हैमिश रदरफोर्ड और डेरिल मिचेल, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, जेकब डफी, नेथन स्मिथ का मैं यहाँ पर नाम मेंशन करूँगा। अगर आप थोड़ा बहुत अलग हटके पिक्स लेना चाहते हैं तो स्कॉट कुगलियन, इस सोडी और डेनियल फ्लिन और माइकल रिपन का मैं यहाँ पर नाम मेंशन कर रहा हूँ। आप इनमें से किसी के साथ भी ग्रैंड लीग्स में कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई करके बना सकते हैं टीम्स। तो चलिए फाइनली आपको ड्रीम इलेवन टीम पर ले चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं यहाँ पे दो टीम लेके आया हूँ, जो कि दो दो टीम्स में मैं एक अलग अलग टीम को फेवर कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने नॉर्दर्न नाइट्स को फेवर किया है और थोड़ा बहुत मिक्सअप करके मैंने वाइस कैप्टन यहाँ पे नील ब्रूम को बनाया है। डेनियल फ्लिन मेरे अलग हटके पिक रहेंगे इस टीम में। आप यहाँ से कैप्टनसी जो है डीन सॉरी टीम सैफर्ट के साथ भी जा सकते हैं। निकोलस के लिए भी आपके लिए वाइस कैप्टनसी के अच्छे पिक होंगे। यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से आप एक आध चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा जो आप चेंज कर सकते हैं। इस जोड़ी की जगह आप यहाँ पे अगर जेकब डफ़ी, यहाँ से आप जेकब डफ़ी ले सकते हैं। आपके ये चेंज के बेसिस पे आपके जो है क्रेडिट भी बच जाएंगे। आप यहाँ तो जो है यहाँ से स्कॉट कुगुलियन को भी ले सकते हैं, ये भी चेंज आप कर सकते हैं। दोनों चेंज आपके साथ है, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में मैं यहाँ पे एंटन डेविस के साथ जा रहा हूँ, जो कि हेड टू हेड में नील ब्रूम और एंटन डेविस टॉप पे बने हैं, तो इसलिए मैं इन दोनों को ले रहा हूँ। और डेनियल फ्लिन भी जो है टॉप टू में आ रहे हैं रन स्कोरर में हेड टू हेड में, तो इनके भी जो है मैं इनको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। और जो हालिया फॉर्म है टीम सेफर्ट और निकोलस के लिए कि उनके उसी उस बेसिस पर मैं इनको पिक कर रहा हूँ। और यहाँ से डेरिल मिचेल और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट भी रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे ही इस टीम में मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। अगर मैं यहाँ पे टीम टू की बात करूँ तो टीम टू मैंने यहाँ पे इन फेवर ऑफ ओटैगो बनाया है, जो कि नील ब्रूम को मैंने यहाँ पे कैप्टन किया है और वाइस कैप्टन मैंने टीम सेफर्ट को किया है। और डेनियल फ्लिन मेरी टीम में रहेंगे और डेरिल मिचेल डेविस मेरी टीम में रहेंगे और हैमिश रदरफोर्ड तो मेरी टीम में इस टीम में ऐड हुए हैं। और जेकब डफी जो है यहाँ से मैंने चेंज किया है बॉलिंग सेक्शन से। तो दोनों चेंज जो है आपको अगर अपने हिसाब से सही लगते हैं तो आप इसी टीम को फॉलोअप कर सकते हैं, वरना आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ आपको फाइनल जो है टीम प्रोवाइड करी जाएगी लाइनअप आने के बाद, तो ज़रूर जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। तो यहाँ पे मेरा जो प्रीव्यू है कंक्लूड होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर जो है लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, बिकॉज नोटिफिकेशन आपको मेरा वीडियो डालते ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द आने वाला है, वेट कीजिएगा सॉरी बिग बैश का, तो उस वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।